हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? तो फिलहाल दोस्तों अब सुबह हो गई, 10:30 बज गया और हम वापस हल्द्वानी जा रहे हैं, मतलब घर अपने रूम पे। और ये देखो पीछे, आज बहुत गर्मी हो रही है। 2 दिन बहुत राहत रही भवाली में और आज फिर से वैसी गर्मी हो रही है। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, आज इतना ट्रैफिक है। आज सैटरडे संडे है, सैटरडे में बहुत ट्रैफिक रहता है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है भवाली में नीम करौली बाबा का जो है मंदिर है और बहुत ही फेमस है वो। ये देखो आप आज कितनी भीड़ है, ये देखो कितनी गाड़ियाँ लगवा दी हैं। भवाली से ऊपर कोई गाड़ी नहीं जाएगी, पुलिस खड़ी है नीचे। और जितने भी नीम करौली बाबा के पास जाने वाले लोग हैं वो सब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके अपनी और शटल सेवा से यहाँ से जाएंगे। यहाँ से शटल सेवा जा रही है सिर्फ भवाली तक के लिए है। भवाली के बाद शटल सेवा पकड़ो और उससे जाओ आप। और काफ़ी नीचे जाम भी लगा पड़ा है तो बहुत भीड़ हो रही है। ईशा और शाइनी दी अभी आगे चले गए, हम चल रहे हैं अपनी स्कूटी उठाते हैं आंटी के यहाँ से और वापस निकलते हैं हल्द्वानी। ये देखो यार, ये यहाँ से अपना पता नहीं कौन से जंगली फल खाने में लगे हुए हैं तोड़ तोड़ के। ये कौन से फल है? ये देखो दोस्तों, ये हिसालू है। ये पहाड़ों में होता है और ये खाने को होता है, बहुत मीठा होता है। जैसे अपने प्लेन्स में होता है वो शहतूत, ये सेम शहतूत के जैसा है। अरे खा गया, मुंह बना बना। और ये देखो पूरा इतना ये पेड़ है इसका, यहाँ पे आते हैं इतने काफ़ी लगे हुए हैं पके हुए। और ये कवर के अंदर होते हैं, इसके ऊपर झिल्ली होती है। ये देखो दोस्तों, फिलहाल अभी हम यहाँ पहुँचे हैं भीमताल। अब मैं आपको दिखाऊँ भीमताल का, ये देखो भीमताल का ताल पूरा सूखा पड़ा है, दलदल। मतलब उस साइड पानी है बस, बाकी इधर सब दलदल पड़ी है। वो देखो बकरियाँ बैठी हैं, बकरियाँ भी नीचे चर रही हैं घास। ये देखो सब सूखा पड़ा है, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ी है कि पानी भी सूख गया ताल का। ये किनारे का साइड का है पूरा। तो फिलहाल दोस्तों हम पहुँच गए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट पे, यानी कि रानीबाग से ऊपर वापस हल्द्वानी जाते पे। और रायता मंगाया था, आलू के गुटके मंगाए थे। ईशा बीटर खाने में लगी है, आदि अपना मस्त खेलने में लगा हुआ है और रायता बहुत तेज है। सो फाइनली दोस्तों फिलहाल अभी घर पहुंच चुके हैं रूम पे हल्द्वानी। और आके मैं नहा भी लिया, इतनी गर्मी हो रही है भाई साहब यहाँ पे कि मतलब नहाने के बाद भी ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही बुरा हुआ है मेरे साथ। ये देखो दोस्तों, जस्ट अभी हम जब आए हैं रास्ते से तो बेटे के लिए 2 किलो दूध लेके आए थे, ताजी दूध था। और देखो खुलाया मैंने घर में आके, तुरंत मुश्किल से 15 मिनट लगे आके दूध खुलाने में। और ये देखो दूध का क्या हाल हो गया है, दूध फट गया है पूरा। ये देखो मतलब ताजी दूध है, इतनी गर्मी है बताओ। ये देखो पूरा दूध फट के खीस बन गया है। और ये अभी ताजी दूध लेके आए, पूरा दूध बेकार हो चुका है, फट गया है। अब इसका खीस बनेगा बस, इसका और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ खीस ही बनेगा। और गर्मी इतनी हो रही है कि नहाने के बाद भी चैन नहीं पड़ रहा भाई। और ये देखो अदावे, बस चीज़ चाहिए। इसको मैंने पैम्पर में कर दिया है बिल्कुल, इसकी माँ ड्यूटी चली गई है मम्मी इसकी, और बस ये चीज़ मांगने में। क्या कह रहे हो, क्या चाहिए? चिज्जी चाहिए, चिज्जी। ये खजूर, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे क्या चाहिए? खजूर, इसे खजूर चाहिए बस, ये खाएगा खजूर। ये चिज्जी चाहिए,